हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए आज अपन बात करते हैं बेहतरीन और बेहतरीन क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट, तो मैं रोजाना की तरह एक बेहतरीन क्वेश्चन आज भी आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग मतलब जो नीट और जेई के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अपन किस टाइप से सॉल्व करना है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं हमने। तो आप देख रहे हैं, है ना, ई एकेडमी 123 चैनल, ठीक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसके और इसके बीच में, है ना। हालांकि क्वेश्चन जो पूछा गया है डी और बी के बीच में वोल्टेज पूछा गया है, लेकिन मैं इसको दो तीन तरीके से एंगल से अप्रोच करके बताऊंगा कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, इसमें करंट कितनी होगी, यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, है ना, टोटल करंट कितनी रिलीज हो रही है, ये बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रमोशनल चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, और वहाँ पर एक बेहतरीन सी अभी प्लानिंग चल रही है, जिस पर आपको इस प्लान को आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये 5 PM से 8 PM दिसंबर 12 को जेई एडवांस का एक पैटर्न पर एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। उस टेस्ट के स्कोर के भ्याप पर, है ना, उस टेस्ट के स्कोर के भ्याप पे आपको पता चलेगा कि आप जेई क्रैक करेंगे या रिपीट करेंगे, है ना। उसी के भ्याप पर आपको पता चलेगा कि आप अपने स्कोर को कितना इंप्रूव कर सकते हो। उसी पे भ्याप पर आपको पता चलेगा कि आपके हाई क्वालिटी क्वेश्चन कितने देखने हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाली कहानी हो गई। दूसरी कहानी आपको ये करनी है कि यहाँ पर अनअकैडमी पर आप डाउट भी पूछ सकते हैं, है ना, सिंपली डाउट, है ना, इमेज अपलोड कर सकते हो, ये बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी और ये सपोर्ट आपको इजीली मिलेगा, है ना। सुपर अचीवर जिनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहिए, ये अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रैंक 1 जिन्होंने, है ना, गेन किया है, वो लोग हैं सारे, है ना, आप भी हो सकते हैं वो चीज़। सुपर अचीवर को अगेन कंग्रेचुलेशन, है ना, आप देख सकते हैं, तो इसमें आपका भी नाम इंक्लूड हो सकता है। तो आप जल्दी से जाना है और कोड क्या यूज़ करना है ना, कोड आपको, है ना, श्याम भाटिया, है ना, क्या हो रहा है इसको, है ना, श्याम, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, श्याम भाटिया, है ना, फिजिक्स कोड आपको यूज़ करके, है ना, ज्वाइन कर ले। और JEE 22 की जो टॉप रैंक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होंगे, है ना। और यहाँ पर ये ब्रांड न्यू अपडेट है जो ITJEE के लिए है, क्या करना, अपलोड, है ना, डाउट अपलोड करना है, और इससे भी आपको, है ना, प्रोत्साहन मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व होगी इसमें से। और उसके बाद आप देख सकते हो कि अनाउंसमेंट हुआ है अनअकैडमी पर GTM ग्रांट टेस्ट JEE Mains 2020, है ना, फार, तो इसमें इजीली आपको देखा जा सकता है। तो आप, है ना, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ क्वेश्चन को अपन समझते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में जो बात आ रही है आपके सामने, क्वेश्चन में जो बात आ रही है वो क्या है वो मैं समझा देता हूँ पहली बात, तो है ना। तो देखिए क्वेश्चन का माजरा क्या है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, है ना, बी और डी के बीच में। अब यहाँ और यहाँ का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वी बी डी, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट में या तो आप KVL अप्लाई कर दीजिए, है ना, या तो आप KVL अप्लाई कर दीजिए, है ना, और KVL ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना, नोडल भी लगाया है, लेकिन वो JEE एडवांस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होते हैं, लेकिन, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो इसमें करंट कितनी जा रही, 1 एम्पियर करंट जा रही है सर, है ना, इसमें करंट कितनी जा रही, यहाँ पे भी 1 एम्पियर करंट जा रही। तो अब हमें एक लूप लेना है, इसको मान लो कि ये बी बोल दिया मैंने, है ना, और ये लेट से डी बोल दिया, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, लूप लेंगे। लूप में कहाँ से चलेंगे, बी से, ये वाला पॉइंट ए बोल दो, है ना, है ना, ये वाला पॉइंट ए बोल दिया, तो बी से ए की तरफ गए, बी ए, और ये भी ए है, ये भी ए है ना, तो ए, और वापस डी की तरफ आ गए, है ना। यहाँ से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका आंसर होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VBB जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि तो डिफरेंस पूछा है उन्होंने, है ना, वैल्यू नहीं पूछी, डिफरेंस पूछी, मतलब वो भी एक टाइप की वैल्यू है। तो VB पर, है ना, ये VB पर VB पोटेंशियल है। अब आपको इधर चलना है, इधर चलना है, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ चलना है, तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन करंट इधर आ रही है और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, है ना, करंट इधर जा रही है, तो करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो प्लस IR का गेन होता है ना। इस केस में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है,
और इस केस में लॉस हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो वी भी, और यहाँ देखो करंट ऐसे आ रही है, हमारा लूप इस साइड जा रहा है ना, लूप का डायरेक्शन हमने कैसा माना, ऐसा माना है लूप का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। फिर कितना आई आर, तो आई कितना है 1 एम्पियर है और आर कितना है 4 है ना। फिर आप आ गए ए पे, यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ से ऐसे चलो है ना, यहाँ से ऐसे चलो, तो अब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं है ना, तो कितना होगा लॉस होगा, कितने का लॉस होगा माइनस आई आर का। तो आई कितनी है, यहाँ भी 1 एम्पियर ही है और आर कितना है बोलो 2 है ना, इक्वल टू जो आ जाएगा वो कितना है वी डी है ना, जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो वी डी मिल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, डी माइनस बी पूछा है ना, डी माइनस बी पूछा गया है। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं है ना, तो ऐसे ऐसे चल सकते हो, बात तो कोई नहीं, तो वी बी है ना, ये माइनस मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखो ये वाली चीज़ क्या आ गई है ना, ये वाली चीज़ क्या आ गई, तो 4 है ना, चलो अभी इसको रहने दो यहाँ पे है ना। तो ये कितना आ गया, तो ये मैंने इधर ही इसको बुला लिया, वी डी को उठा के इस साइड ले आया मैं, और यहाँ पर कितना था प्लस 4 था, ये माइनस 2 आ गया इक्वल टू 0। अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, अब एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया है ना, 4 माइनस 2 तो प्लस 2 बच गया, ये जो था ये क्या बच गया, प्लस 2 बच गया, तो ये प्लस 2 ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा प्लस 2 आ रहा है ओके इक्वल टू 0। अब यहाँ से वी बी माइनस वी डी कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या पूछा है, डी माइनस बी पूछा है, तो यहाँ से माइनस का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो है ना, माइनस का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा वी डी माइनस वी बी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया है ना, जो डिफरेंस आएगा 2 वोल्ट, ये सेकंड ऑप्शन आ गया। अब देखो यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट आ गया, यहाँ कितनी जाएगी 2 एम्पियर करंट जाएगी, बहुत बढ़िया। और यहाँ से जब 2 एम्पियर इंटर हो रही है तो 2 एम्पियर रिलीज भी हो रही होगी है ना, क्योंकि 1 एम्पियर करंट चली गई, तो 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 4 6, यानी दोनों में इक्वल रेजिस्टेंस है, तब ये दोनों में इक्वली आधी आधी डिवाइड हुई, ठीक है। अब यहाँ पर करंट कितनी आ जाएगी है ना, यहाँ पर करंट कितनी, 1 और 1 2 ओम है, इसके बीच का भी वोल्टेज पूछा जा सकता है, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा है ना, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो आप इसको वो भी करके निकाल सकते, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। कैसे करोगे है ना, यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए, 10 वोल्ट है तो अब ये यहाँ से ये कितने का ड्रॉप हो, 4 और 2 6 6, तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 6 आई, आई कितना है 1 एम्पियर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 माइनस बोलो 6, तो ये आ गया 4 वोल्ट आ गया है ना, तो यहाँ का वो आ जाएगा 4 वोल्ट है ना। अब यहाँ से भी आ गया 4, तो ये भी 4 वोल्ट, अब ये 4 वोल्ट तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, यहाँ तो 4 था, अब 4 माइनस कितना आ जाएगा 2, आई आर का ड्रॉप होगा तो 2 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये अगेन 2 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे जो आएगा ये कितना आ जाएगा 2 वोल्ट आ जाएगा, और 2 वोल्ट में और 2 माइनस करोगे तो यहाँ सिंपल 0 आ जाएगा। तो इसीलिए तो बैटरी के एक्रॉस कितना होता है 10 वोल्ट का होता है, यानी जो भी उसका पोटेंशियल होता है तो वो होता है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे KVL KCL को यूज़ करके कर सकते हैं है ना। तो ये मैंने बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं है ना, बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड